करीब आ चुका है और इसके साथ ही रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ भी बढ़ गई है। हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में लोग दूसरे शहरों और राज्यों से अपने घर आ रहे हैं ताकि परिवार के साथ त्यौहार मना सकें। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यातायात के संसाधनों की है। त्यौहारी सीजन को देखते हुए रेलवे की व्यवस्थाएं खराब होती नजर आ रही हैं। अपने घर पहुंचने के लिए उत्साही लोग भारी संख्या में रेलवे स्टेशनों पर पहुंच रहे हैं, मगर ट्रेन के अंदर चढ़ने के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं, जिसके कारण भगदड़ जैसी स्थिति बनी हुई है। हालांकि रेलवे पुलिस द्वारा भीड़ को मैनेज किया जा रहा है। देखिए जयपुर रेलवे स्टेशन पर हाल जाना इंडिया न्यूज संवाददाता प्रशांत यादव ने। इस समय हम मौजूद है राजधानी जयपुर के जयपुर जंक्शन पे और तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ हुई हुई है, क्योंकि त्योहारी सीजन है, दिवाली के पर्व पर जो लोग हैं वो अपने घरों के लिए जो है राजधानी जयपुर से रवाना हो रहे हैं। मगर जिस तरीके से ये भीड़ आपको नजर आ रही है, क्योंकि रेलवे के पास किसी प्रकार की कोई प्लानिंग नहीं है। हालांकि जो है रेलवे की ओर से जो है कई अतिरिक्त ट्रेनें भी बढ़ाई गई है, क्योंकि छठ पूजा और दीपावली का पर्व है, जिसको देखते हुए अब जो है भारी संख्या में लोग अपने घर अपने गांव के लिए रवाना हो रहे हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो है ट्रेन पहुंची है और इस ट्रेन के लिए ये लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। मगर इनके जिस प्रकार से ये ट्रेन रुकेगी, तो कहीं ना कहीं जब लोग ये एक भीड़ एक साथ अंदर चढ़ने का प्रयास करेगी, जिसके कारण धक्का मुक्की भी होती है और भगदड़ सा माहौल बन जाता है। तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूं कि गेट पर पहले से लोग मौजूद हैं जो जयपुर जंक्शन पर उतरेंगे और साथ में ये लोग ऊपर चढ़ेंगे, जिसके कारण कहीं ना कहीं जब ये भगदड़ जैसी स्थिति हो जाती है कि लोग जो है इसमें, तस्वीरें आप देख सकते हैं, ट्रेन पूरी तरीके से हालांकि अभी रुकी भी नहीं है, मगर जो लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ पर चढ़ने के लिए परेशान हो रहे हैं और इसी के कारण कहीं ना कहीं भगदड़ मचती है और लोगों को जो है कहीं ना कहीं घटना का सामना करना पड़ता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि चलती ट्रेन में किस तरीके से ये लोग अंदर चढ़ते नजर आ रहे हैं। जब ये ट्रेन पूरी तरीके से रुकी भी नहीं है, मगर उसके बाद इस तरीके की धक्का मुक्की, जिसके कारण एक बड़ी घटना हो सकती है। मगर जरूरत है कि इस तरीके की जो ये धक्का मुक्की है, ये भगदड़ है, इस पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाया जाए। एक प्लानिंग की जरूरत है कि जब भी कोई त्योहारी सीजन हो या फिर इस तरीके से लोग ऊपर चढ़ते हैं, भारी भीड़ होती है, तो कहीं ना कहीं रेलवे को कोई ऐसा जो है प्रबंध करना चाहिए ताकि लोग एक तरफ से उतर सके और दूसरी तरफ से चढ़ सके। मगर जो है ये स्थिति आप देख सकते हैं और इसी के कारण जो ये स्थिति आपको नजर आ रही है, इसी के कारण जो है भगदड़ सा माहौल बनता है और एक बड़ी घटना हो सकती है, किसी व्यक्ति की जान जा सकती है। मगर ऐसे में जरूरत है कि जो रेलवे है वो इसको व्यवस्था सुचारू करे, क्योंकि ये जो व्यवस्थाएं हैं इसी के कारण कहीं ना कहीं, हालांकि जो है आरपीएफ के जवान हैं वो यहाँ पर व्यवस्थाओं को संभाले हुए हैं, मगर उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो अपने इस जीवन का मूल्य नहीं समझ पाते, उसकी अहमियत नहीं समझ पाते और इस तरीके से अपने जीवन को खतरे में डालकर ट्रेन के अंदर चढ़ते हैं, जिसके कारण भगदड़ और बड़ी घटना हो सकती है। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज जयपुर। खबर नागौर के खींवसर।